19 दिसंबर 2018 भारतीय वायुसेना के लिए यह दिन खास रहा। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 7A का सफल परीक्षण किया गया। यह सैटेलाइट भारतीय वायुसेना के लिए अहम माना जा रहा है। इस सैटेलाइट से भारतीय वायुसेना के लड़ने की क्षमता में अब कई गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। जीसैट 7A के जरिए वायुसेना के ग्राउंड रडार स्टेशन और एयरबेस आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। जीसैट 7A से केवल वायुसेना के एयरबेस ही इंटरलिंक नहीं होंगे बल्कि इसके जरिए ड्रोन ऑपरेशंस में भी मदद मिलेगी। इसके जरिए ड्रोन आधारित ऑपरेशंस में एयरफोर्स की ग्राउंड रेंज में खासा इजाफा होगा। बता दें कि इस समय भारत अमेरिका में बने हुए प्रेडेटर बी या सी गार्डियन ड्रोन्स को हासिल करने की कोशिश में लगा है। ये ड्रोन्स अधिक ऊंचाई पर सैटेलाइट कंट्रोल के जरिए काफी दूरी से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। इस सैटेलाइट की लागत 500 से 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं जिनके जरिए 3.3 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। भारत के पास अभी करीब 13 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। इनमें से ज्यादातर सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, जिनमें कार्टोसैट सीरीज और रीसैट सैटेलाइट शामिल हैं। ये धरती की निचली कक्षा में मौजूद रहते हैं और धरती के चित्र लेने में मददगार होते हैं। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल निगरानी, नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी काफी मददगार साबित हुए थे।